हमारे रियासती इदारे सिर्फ इस बात के रह गए हैं कि वो किसी मदरसे में जाकर एक मौलवी साहब को, एक गरीब मौलवी साहब को पकड़ के थाने में ले आए और उन पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारे पास तो किसी ने खाना खाया है, तुम्हारे पास तो किसी ने चाय पी है, इसी के रह गए हैं। यही उनकी तवानाई और सलाहियतें हैं। 26 इदारे हैं इंटेलिजेंस के, कहाँ गायब हैं? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, बेगुनाहों को तंग करने से अपनी कार्रवाई डालते हैं, कागजी कार्रवाई भरते हैं। मुझे क्या एतमाद दिला सकेंगे कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है या नहीं, या सिर्फ मुझसे टैक्स वसूल करेगी और मेरे जान माल की हिफाजत नहीं करेगी? मुझे शिकायत है, मुझे कर्ब है। मैंने रियासत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैंने इस रियासत की बकाव इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद की है, मैं रियासत के शान बशाना खड़ा रहा हूं, लेकिन अकेले एक जमात क्या कर सकती है? पूरी कौम रियासती इदारों की तरफ देखती है। जो रियासत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जो इस हिफाजत के मसूल हैं, उसी के लिए वो तनख्वाहें ले रहे हैं। वो किधर हैं आज? कब वो हमारे शिकवों का इजाला करेंगे? कब वो हमारे जख्मों का मरहम बनेंगे? कब वो हमारे मुस्तकबिल और हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत का निज़ाम बनाएंगे? सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हमें कौमी सतह पर गौर करना है, तमाम मकातब फ़िक्र को बैठना है। और इंशाल्लाह हम बुलाएंगे सबको, PDM को दोबारा बुलाना पड़ेगा, सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा।